गांधी जी से प्रेरित सादा जीवन जीने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई याद नहीं करता मुझको तो लगता है कि जैसे इतिहास बदला जा रहा है सरकार से न मुझको उम्मीद है न कुछ मैं तो कहते कहते पत्र लिखते लिखवाते थक गए आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 फरवरी को पटना के सदाकत आश्रम में अंतिम सांसें ली। बिहार के जीरा देई की मिट्टी में जन्म लिए राजेंद्र बाबू के जीवन से जुड़ी स्मृतियों को उनकी पौत्री ने संजोए रखने की भरपूर कोशिश की है। 1947 से लेके और 62 तक तो मेरा पूरा उनका साथ रहा, उनके साथ ही रही। पहले विक्टोरिया में जब खाद्य कृषि मंत्री थे तब वन टू विक्टोरिया रोड में कब हम लोग वहाँ हम लोग गए। जीवन भर तो वो एक फकीर की जिंदगी, खाना बदोश की जिंदगी जी उन्होंने। जब ये अंतरिम सरकार बनी और उनको खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया तो एक स्थायी निवास उनका बना और उसी वर्ष फिर वे संविधान सभा अध्यक्ष भी बने। तब उनको ये सुविधा हुई कि परिवार को अपने साथ बुला के रख सके, तब उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों के लिए पौत्र पौत्रियों के लिए वो सब किया जो कि वे अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए थे। इस तरह से तो मेरी तो बचपन की सारी स्मृतियाँ, बचपन किशोर और युवा आरंभ उम्र की सब स्मृतियाँ उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजेंद्र बाबू पटना स्थित सदाकत आश्रम के इसी घर में रहा करते थे। कलम ये सब चीज़ें चोरी हुई और भी चीज़ें चोरी हुई तो उसके बाद बाढ़ आई। 75 की बाढ़ में पूरा डूब गया था, उसमें बहुत सी चीज़ें नष्ट हुई। तो इस तरह से काफ़ी कुछ हुआ लेकिन तो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना कुछ हम बचा के रख सकें जैसे रख सकें। मैं तो कहते कहते पत्र लिखते लिखवाते थक गए। तो 25वीं जयंती 2009 में बिहार में मनाई गई, केंद्र में उस बारे में कुछ नहीं किया गया, तो इस काम में बहुत दुख है। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे राजेंद्र बाबू का भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका थी, लेकिन लोग इसे भूलते जा रहे हैं। संविधान निर्माण की बात आती है तो उनको कोई याद नहीं करता, जबकि वे ही थे संविधान सभा के अध्यक्ष। कोई याद नहीं करता, मुझको तो लगता है कि जैसे इतिहास बदला जा रहा है। अम्बेडकर जी, हाँ, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और कमेटीज के चेयरमैन थे लोगों को। इनके विषय में सिर्फ कहा जाता है स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन, जबकि ये ओवरऑल सब कुछ के ये चेयरमैन ये थे, अध्यक्ष थे, लेकिन वो कोई नहीं याद करता है। इनकी क्या भूमिका है संविधान निर्माण में, कितने बड़े वे विधि वेता थे, ये सब कोई याद नहीं करता। तो ये सब देख के दुख तो अवश्य होता है कि जो ड्यू है उनका उनको नहीं दिया गया और अभी भी इस बारे में कुछ नहीं।